अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। यह स्टार्ट में ही वॉइस डालना पड़ रही है क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं वीडियो बना रही थी पर वो वीडियो सही बनी ही नहीं, आवाज़ बाद में आ रही थी और वीडियो बन रही थी। खैर, यहाँ मैं फरमा रही हूँ कि यार मैंने कल कपड़े धोए हैं तो मैंने अभी तक कपड़े नहीं उतारे, तो अभी सबसे पहले मैं कपड़े उतारूँगी। कपड़े उतारने के बाद फिर मैंने बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करके मैंने जाना है अपनी अम्मी के घर। तो यार अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे पता आप लोग बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो जी, गुड हो गया, महत गेम खेल रहा है। तो अब हम यहाँ, ये रहा जी जिमल फातिमा का ड्रेस। मोहम्मद, आप लोग भी जल्दी से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, फिर चलना है हमने नाना जी का। हाँ जी, ये रहा हमारी प्रिंसेस का सूट। अब मैं इसको इस्त्री करूंगी और फिर इसको मैं नहलाऊंगी। अरे, इसके नीचे पहनने वाली चीजें हैं क्योंकि अभी ठंड है, इसको मैं कवर कर रखती हूँ अभी। और ये हो गया इसका ड्रेस। जिमल अभी रो रही है क्योंकि उसका कोई मूड नहीं है शायद नहाने का। फातिमा, जिमल फातिमा कूल हो लियो जोनी। हाँ जी, चलो बस अब फातिमा के नहलाने की बारी है। और यहाँ हम इसको ना अपने रूम में ही नहलाते हैं क्योंकि जब से ये पैदा हुई है तो अभी इसको बाहर नहीं निकालती, बाहर बहुत ठंड है, वॉशरूम में मैं इसको नहला नहीं सकती। तो यहाँ पे टब और बाल्टी रख लेती हूँ, इसको मैं टब में इसमें नहलाती हूँ और बाहर नहीं नहलाती, मुझे डर लगता है, तो इसलिए अभी जिमल फातिमा को हम इसमें नहलाते हैं। तो अब हम नहलाएंगे जिमल फातिमा को। ये हमारी फातिमा, अब हम इसको नहीं नहीं कराएंगे। मेरी गोद में आके ना चुप हो जाती, अपने भाइयों की भी गोद में होगी, कहते हैं मम्मा आपकी गोद में बहना आती है तो बिल्कुल चुप हो जाती है, हमारी गोद में इतना रोती है। तो मामा की इसको पहचान है ना, इसीलिए है ना जिमल फातिमा। तो अब हम इसको नहलाएंगे। फातिमा फातिमा छोनी, ये रस्सियों से अभी बंधी हुई थी तो अभी हमने इसको। जी बेटे, मम्मी जिसमें हादी को लिटा के वो नहीं आपके पास? नहीं बेटे, वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें इसको, वो टब होता है ना बच्चों का, वो उसकी बात कर रहा है। मेरी भाभी है ना, तो उसके उसका जो बेटा ना, उसके लिए उसका वो बात टब था मेरे पास भी, बच्चों और बच्चों की दफा पर वो फिर यूज कर करके इतना हो गया कि मैंने उसको बस दे दिया था किसी को, तो इसकी दफा हमने नहीं दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह नया नया करा देंगे। हैं जिमल फातिमा, पीछे यार वो कहवा भी आता तो उसके बर्तन अभी पड़े हुए, वो भी मैंने नहीं उठाए। कोई बात नहीं, हम जैसे इसको तैयार करेंगे फिर हम वो पीछे से ड्रेसिंग से चीजें उठा लेंगे। चलो जी, अब जिमल फातिमा को हम नहलाएंगे। सो गाइस, हमारी फातिमा रेडी हो चुकी है। ये देखो हमारी छोनी बेबी तैयार हो गई है। फातिमा ये देख के, फातिमा फातिमा जिमल फातिमा। अच्छा ना जी गाइस, चलो अब मैंने जो है फातिमा को सुला दिया है, वो जैसे पीछे आपको नजर आ रही होगी वो सो रही है। तो अब मैं जाऊंगी किचन में, किचन में पड़े हैं थोड़े बर्तन वो धोंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी करूंगी, उसके बाद देखते हैं कि कौन से कपड़े पहनूंगी। और ये पता नहीं पिंपल है, ये निकल आया। खैर कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। पर अब मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में जाके अपना काम ख़त्म करूँगी। ये देखो किचन की क्या हालत हुई हुई है बर्तन धोने वाले। खैर अब मैं फटाफट से किचन साफ करूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि झटपट किचन साफ कैसे होता है। तो बर्तन मैंने धो लिए, अब सारे बर्तन मैंने यहाँ इस बास्केट में रखे हैं, जब तक इनका पानी ख़त्म हो निकल जाएगा उसके बाद मैं इनको इनके अपनी जगह पे लगा दूँगी। और ये रहा मेरा किचन हो गया जी साफ सुथरा। तो अभी ये जो चावल हैं ये आज इन्होंने बनाए थे गुड़ वाले, मेरे हस्बैंड ने, मीठे चावल वो ही बनाते हैं, तो ये चावल उन्होंने बनाए थे, इनको मैं कवर करके रख देती हूँ। सो
बाकी चीजें हो गई हैं, सब कुछ किचन साफ। मुस्तफा, अभी चीनी क्यों निकाल के खाते हो आप? मुस्तफ़ा को चीनी बहुत पसंद है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है किचन में, चीनी निकालता है और खा लेता है। तो अब मैं होने लगी हूँ तैयार। ये ड्रेस मैंने अपने लिए निकाला है और ये है इसका दुपट्टा, और ये ड्रेस पहनेंगे मेरे हस्बैंड। चलो ये ग्रे कलर का उनका, नहीं ब्लू सा है, ग्रे दोनों मिक्स कलर है इसके, और मेरा है ब्लैक और ग्रे मिक्स, थोड़ा सा मैचिंग की है। हाँ यार, मैंने सोचा क्यों ना अपनी माँ को भी आप लोग को दिखाया जाए, जो यहाँ पे इतने मज़े से लेट के कर्टन के साथ खेल रही थी, पर जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ती है ये वहीं पर स्टक होकर बैठ जाती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डांट मेरे से खाती है, वो भी इसलिए क्योंकि ये जगह जगह पर बहुत गंद करती है। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं बिल्कुल लाइट सा मेकअप करती हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं इतना मेकअप पसंद। सो बिल्कुल लाइट लाइट हर चीज़ बहुत लाइट रखती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या मेकअप में क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। सो अभी हम चलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। महद अभी रेडी नहीं हुआ, उसको मैंने रेडी करना है। मुझे ये था कि उसके कल जो कपड़े पहनाए हैं वो साफ होंगे, उसी में ले रही, पर वो सबसे गंदा अपने आप को ना वो बच्चा करता, और कपड़े भी सबसे ज़्यादा गंदे हुए। मैं दिखाती हूँ आपको, देखना कि उसने अपनी क्या हालत बनाई, महद की क्या हालत है। इसको मैं कहती हूँ साफ़ सुथरे रहो, पर मजा ला ये बच्चा मेरी सुने। ये देखें आप इसकी हालत, नंगे पाँव खेलता है, ज़मीन पर जाता है। महद चलो आप मुँह धुलाओ और फिर आपको कपड़े पहनाऊ। कपड़े मैं खुद धुलाती हूँ आपको साफ सुथरा। मोहम्मद बेटे अब उठ जाओ यहाँ से, उठो। अच्छा चलो हाथ मुँह धो, महद आओ, चलो महद। नहीं बात नहीं मानोगे मेरी, फिर आपको महद को कोई चीज नहीं लेके देंगे। मोहम्मद उठो आओ, चलो आओ। अभी इसका मैं मुँह धुलाऊंगी, इसको मैं तैयार करूंगी। महद जो है वो कितना अपनी मम्मा को तंग करता है ना? हैं? ये सॉक्स ये अभी मैंने आपको कल पहनाई है, जो जिनकी आपने ये हालत की है। इधर करो पाँव, इधर करो जल्दी। मैं बताऊंगी ना मम्मी को कि देखो ये महद अपने ना हाथ मुंह साफ रखता है और ना अपने कपड़े। चल लो, चलो उठो उठो उठो। आप बहुत तंग करते हो अपनी मामा को, पता है ना? आप ही तंग करते हो सबसे ज्यादा, और दोनों भाई नहीं करते, वो नहीं करते। चलो ये पहनो। कब करते हैं? वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? वो बिल्कुल भी तंग करते हैं। ठीक है करते हैं। सबसे ज्यादा कौन करता? भाई सबसे ज्यादा। ये देखो ये क्या कर रहे हो, ये पट्टी भी है ना? अच्छा ये मुस्तफा किधर से आवाजें दे रहे हैं? पीछे से। चीज लेने गया था? हाँ। पापा से पूछे बगैर, आपसे पूछे बगैर। जो बच्चा मेरे से पूछे बगैर जाएगा ना, तो फिर उसने मेरे से मार ही खानी। बैठो आप नीचे। पता चला ही गया है। पता चला ही गया। चला गया। हाँ। चल बाजू पकड़ो आगे से। आएगा तो उसको सही तलाशी लेना, उसकी पुटी निकाल देना। खड़े हो जरा ऊपर, ऐसे आ गया। नहीं करो बेटे,
अब मैं आओ जी बैठो बैठो अब आपने किसी भी चीज के साथ नहीं खेलना तो बाहर मट्टी वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं करने कपड़े आपके मुझे गंदे नजर आए ना तो फिर माँ मैंने बहुत बुरा पेश आना आपके साथ ठीक होगा ठहरो ये बाजू दिखाओ मुझे लोशन ना लगा लोशन लगाऊंगी ना क्यों ना लगाऊं बेटे ठहरो लोशन लगा नहीं लोशन बस मैं लेके आई देखो ना ये देखो ये मेरे लिए लाए आप क्या खाओगे ये ना अच्छा चलो ला ये लो आज ले लो ये मेरे मुझे दे दिए भाई ने इसे देखो मुझे ये कोई और चीज चाहिए चलो अब अपना आपको गंदा ना करना चल अब आप रेडी हो गए हो मुस्तफा आप भी अपने आप को गंदा ना कि ये चीज लेके आए हो मुस्तफा 50 रुपीस की तो ये चाबी जगह पे रखते हैं चाबी मुझे दो जी मम्मा दो चले जी अब हम निकल रहे हैं रूम बंद कर लो रूम चल चलें जी निकले जो ये जो बैग है ये मैंने उठाना चलें जी चलो जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं ये रहा मोहम्मद चलो चले जी अब चलते हैं ऊपर और चल के देखते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे आते साथ ही ऊपर छत पे चले गए तो देखते हैं ऊपर क्या कर रहे हैं ओ वाओ ऊपर तो सही माहौल बना हुआ है ओ काइट्स उड़ रही है मोहम्मद और मुस्तफा महद आप क्या कर रहे हो आपने ये पैंट इतनी गंदी कर दी है ये क्या किया महद सारे उसने अपने कपड़े गंदे कर दिए चलो जी काइट उड़ाने लगे हो आप लोग चल जबरदस्त चलो आगे जाएंगे हर कोई अपनी छत पे चढ़ के काइट्स उड़ा रहा वाओ अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मम्मा की ना मेरी तबीयत नहीं ठीक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तो मैंने कहा चलो उनकी थोड़ी हेल्प करा दूँ तो मैं नीचे आ गई ये पीछे उन्होंने कपड़े धोए हैं ना तो वो पड़े दिए कपड़े ला जाके बाहर उसी पे डालो अब मैं वो डालने जा रही हूँ ये मैं यहाँ रखी हूँ मैं रस्सी पे डालू So guys, आप लोग सबसे पहले इसकी बेटी डॉल है इसको ब्लॉग की पड़ी हुई है इसको करें अनसब्सक्राइब कर दें आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें सही है अब मैं जा रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर के साथ पार्लर तो उसके कल स्कूल में ना फेवरेल है तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ उसके साथ पार्लर जा रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो करवाने क्या लगी चलें
पार्लर हम पहुंच चुकी थी पर वो अभी बिजी थी क्योंकि खाना खा रही थी और मैंने महक की वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि महक को आ रही थी शर्म। सो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।